morning to all. Welcome back to our maths online class. Today we will start question number E of exercise 13. Mr. Sanjay made a saving of rupees 2867 in the month of March. Mr. Vijay वो मार्च मंथ में 2867 रुपीस की वो सेविंग करता है. रुपीस 8302 इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, और अप्रैल मंथ में वो 8302 रुपीस की सेविंग करता है. एंड 10,991 इन दी मंथ ऑफ मे, और मे मंथ में वो रुपीस 10,991 रुपीस की वो सेविंग करता है. हाउ मच मनी डिड ही सेव ऑल टुगेदर, तो वो सारे मंथ में, ऑल टुगेदर का मतलब है तीनों या चारों जो भी हो, उन सारे मंथ में वो कितनी सेविंग करता है वो बताना है. तो ऑल टुगेदर वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि आपको सभी चीज से रिलेटेड आपसे उसमें पूछा जाता है. जो भी गिवन क्वेश्चन है उसमें सबका टोटल हो वो आपसे ऑल टुगेदर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है. ऑल टुगेदर मतलब सभी मंथ में कितनी सेविंग हुई, इस तरीके से. तो हमेशा इस ऑल टुगेदर वाले क्वेश्चन में प्लस होगा. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर ए, सुमित सेव रुपीज 35,574 लास्ट ईयर एंड रुपीज 45,825 दिस ईयर. फाइंड हिज टोटल सेविंग्स इन दिस टू ईयर्स. तो उसने दोनों ईयर्स में कितनी सेविंग करी सुमित ने, तो टोटल इसमें लिखा हुआ है. टोटल ऑल टुगेदर इन दोनों क्वेश्चंस में अगर इस तरीके से आता है तो इजीली फाइंड हो जाता है कि इसमें प्लस करना है. नेक्स्ट बी जो क्वेश्चन है इसमें भी टोटल लिखा हुआ है एंड में कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मेड इन दीज थ्री डेज. तो टोटल आ गया तो इसमें भी प्लस करना है. और जो स्टेटमेंट राइटम करनी होती है वो क्वेश्चन से ही आपको करनी होती है, ठीक है. एंड क्वेश्चन सी में भी ऑल टुगेदर लास्ट में है कि हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन द हॉलीडे ट्रिप ऑल टुगेदर. ओके, कि हॉलीडे ट्रिप पर सभी को मिलाकर कितना स्पेंड हुआ, कितना खर्च हुआ है. नेक्स्ट डी क्वेश्चन, लास्ट ईयर 4072 पीपल पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिपब्लिक डे फंक्शन. लास्ट ईयर जो ये रिपब्लिक डे का फंक्शन हुआ था उसमें 4072 पीपल ने पार्टिसिपेट किया था. दिस ईयर 20,250 पीपल पार्टिसिपेट, और इस जो इस साल है वो उसमें 20,250 लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट का मतलब शामिल हुए. हाउ मैनी मोर पीपल पार्टिसिपेटेड दिस ईयर, तो इस साल में कितने लोग मतलब पहले जो ऑलरेडी पहले लास्ट ईयर भी 4000 समथिंग थे और इस साल 20,000 से मोर देन 20,000 से ज़्यादा थे लोग, तो अब कितने ज़्यादा लोग हो गए. तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि इतने ज़्यादा कि 4072 और 20,250 ये सारे, ठीक है. तो इसमें भी एडिशन होगा. नेक्स्ट ई क्वेश्चन में भी ऑल टुगेदर है, उसमें भी हमें प्लस ही करना है. एफ क्वेश्चन में भी ऑल टुगेदर है, उसमें भी प्लस होगा. क्वेश्चन नंबर जी में टोटल पॉपुलेशन पूछी है विलेज की, तो इसमें भी प्लस. एंड क्वेश्चन नंबर एच, हाउ मच डज द कंपनी पे इन ऑल, तो सब पे सारी चीजों पे कंपनी कितना पे करेगी, कितना उस चुकाएगी वो करना है, तो प्लस करना है. सारे क्वेश्चंस पे आपको प्लस करना है. स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन से ही बनानी है. जो भी डिजिट लिखोगे वो किस चीज की डिजिट है वो आप लिखोगे, देन उसके बाद और सब में आपको एडिशन करना है. ओके, सो क्लास योर होमवर्क क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई, डी ई एंड क्वेश्चन नंबर जी. डी ई और क्वेश्चन जी इन योर फेयर कॉपी. थैंक यू.